चलिए दोस्तों फिर आगे बात करते हैं कुछ बेसिक और कमांड्स हैं जिसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में कैल कमांड एम कमांड और रिनेम कमांड राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे हम इसको यूज़ करते हैं अब दोस्तों एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कंपनी के अंदर एक पर्सन था एक्स और दूसरा पर्सन था वाई ठीक है तो एक्स पर्सन से उसके बॉस ने बोला कि आप एक काम करो मुझे दो में नवम्बर में तीन तारीख को कौन सा डेट था मुझे बता दो ठीक है इस बंदे ने बहुत ही फटाक से बता दिया और दूसरा जो वाई नाम का बंदा था ये ना मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहा था 2018 सर्च कर रहा था नवंबर तब तक इसने बता दिया ठीक है तो बॉस ने बोला तुम मोबाइल चलाते रहो ठीक है और इस बंदे ने डायरेक्टली कमांड चलाया और वहाँ से बता दिया वाया कैल कमांड ठीक है तो इस वीडियो में हम तीनों बात करेंगे कैल एम और रिनेम ठीक है तो आ जाओ टर्मिनल के अंदर अब दोस्त दोस्तों क्या होता है जैसे कि आपको देखना है कैलेंडर ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करो डायरेक्टली कैल कमांड चलाओ तो आपको ला के दे देगा लेटेस्ट करंट वाला मंथ 2022 जून और पाँच तारीख है अब आपको चाहिए क्या सारा का सारा कैलेंडर चाहिए ठीक है तो आपने क्या किया कैलेंडर दे दिया दो का ठीक है आपको टू टू का चाहिए लीजिए तो सारा का सारा आपको ला के दे दिया अब यहाँ से देख लीजिए आप ठीक है ऐसे ही चाहिए आपको स्पेसिफिक चाहिए कैलेंडर किसी टाइम या किसी भी स्पेसिफिक डेट का जैसे आपको चाहिए एट एंड टू थाउजेंड एट्टीन या फिर 11 का चाहिए ठीक है तो ला के दे दिया ठीक है दो हजार ग्यारह अगस्त ठीक है तो ऐसे आप स्पेसिफिक देख सकते हो ठीक है दो हजार इक्कीस का चाहिए आपको तो आपने क्या किया कैल कमांड यूज़ किया या फिर आपने 2021 दे दिया ठीक है तो 2021 का सार आपको ला के दे देगा ठीक है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो यहाँ से आप देख सकते हो ठीक है तो ये बेसिक है आपको पता होना चाहिए एज अ लिनक्स एडमिन आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कैल कमांड क्या करती है कैलेंडर कैसे देखते हैं डेट कैसे देखते हैं कैसे सेट करते हैं ये सारी बातें राइट अब थोड़ा सा आगे आते हैं और देखो मैं यहाँ पे बार बार क्लियर कर रहा हूँ ताकि हमारा जो टर्मिनल है क्लियर हो जाए या आप, आप क्लियर भी लिख दो या फिर कंट्रोल एल कर दो ठीक है तो दोनों ही सेम है अब दोस्तों एल करिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं इस कमांड पे रिनेम और एम कमांड ठीक है तो पहले बात कर लेते रिनेम कमांड अब रिनेम मतलब क्या पहले से मान के चलो कोई डायरेक्टरी पड़ी हुई है ठीक है उसे मुझे रीनेम करना है उसे चेंज करना है हो सकता है ठीक है आ, जो डायरेक्टरी है फाइल पड़ा हो उसे मुझे चेंज करना है किसी दूसरे नाम से तो वायर रीनेम कमांड भी आप कर सकते हो नाव दूसरा एम वी कमांड से भी हम क्या कर सकते हैं रीनेम कर सकते हैं ठीक है तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास रीनेम करने के तो मैं दोनों को लाइव एग्जाम्पल दिखाऊँगा पहले रीनेम करते हैं किससे रीनेम कमांड से किसी भी फोल्डर और फाइल को फिर दूसरा हम करते हैं एम बी कमांड से एम बी कमांड में आपका दो काम होगा एम बी कमांड से आप डेटा मूव भी कर सकते हो ठीक है तो वो चल के दिखाता हूँ तो आ जाइए टर्मिनल के अंदर और यहाँ पे एक बार एल एस करिए तो एल एस मैंने किया हुआ ये हमारे जो लिनिक्स वन टू ये सारी डायरेक्टरीज़ हैं ये सारी हमारी फाइल है अब मुझे रिनेम करना है ठीक है तो रिनेम करना है मुझे किसे लिनिक्स वन को ठीक है तो लिनिक्स वन है इसे मैं रिनेम करना चाहता हूँ तो सबसे पहले आपका कमांड आएगा यहाँ पे rename और उसके बाद दोस्तों किसे आपको rename करना है किसे चेंज करना है ठीक है तो मुझे लिनक्स वन को करना है तो मैंने लिनक्स वन लिखा किस नाम से करना है तो जैसे मैंने दे दिया बीबी की वाइन्स इसके नाम से मुझे करना है ठीक है तो अब ये बीबी की वाइन्स के नाम से चेंज हो जाएगा अभी नहीं होगा इसके बाद आपको ना फिर से अगेन रिपीट करना होगा लिनक्स वन डायरेक्ट्री ठीक है अब ये सिंटेक्स हमारा सही हुआ ठीक है तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इस नाम की डायरेक्टरी को बी बी के वाइन्स में चेंज करने जा रहा हूँ ठीक है इंटर करो आप तो रिनेम हो गया कैसे देखोगे एल एस करिए अगेन तो आपको दिख जाएगा बीबी -बी की वाइन्स अब देखो लिनक्स वन कहाँ गया इज गॉन ठीक है तो वाया रिनेम कमांड मैंने क्या किया डायरेक्टरी को रिनेम कर दिया अब दूसरा देखो एम वी कमांड से ठीक है तो एम कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ रीनेम करने जा रहा हूँ ठीक है तो एम कमांड से मूव भी कर सकते हो डेटा को आप और rename भी कर सकते हो मतलब नेम को चेंज भी कर सकते हो ठीक है तो दोनों काम करते हैं यहाँ पे एम कमांड से नाउ कम टू टर्मिनल अगेन तो वी वी की बाइंस को हम क्या करते हैं अगेन चेंज कर देते लिनिक्स वन में तो इस बार मैं यूज़ करूँगा एम कमांड ठीक है एम बी कमांड उसके बाद किसे चेंज करना है बी बी की वाइन्स को किस में करना है मैं चाहता हूँ चलो भाई लिनिक्स वन जो बनाया था उसे मैं वापस से ला देता हूँ तो देखो एम बी कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ रीनेम कर रहा हूँ ठीक है डायरेक्टरी को एल एस करिए हो गया लिनिक्स वन आ गया राइट लिनिक्स वन आ गया तो ऐसे हम करते हैं ठीक है अब देखो जैसे ये बना हुआ लिनिक्स फोर नाम की फाइल है ठीक है अब एम बी एम करिए ठीक है लिनिक्स फोर किस नाम से करना चाहते हो मैं इसको लिनिक्स फाइव करना चाहता हूं क्या पहले से एग्जिस्ट है या फाइल नहीं है ठीक है देखिए एल एस करिए तो लिनिक्स फोर की जगह फाइव हो गया राइट तो ऐसे भी आप कर सकते हो एम कमांड से ठीक है रीनेम कर सकते ना हो दूसरी ड्यूटी देखो एम कमांड की मुझे मूव करना है डेटा ठीक है तो पहले देखो एक डायरेक्टरी ये है दूसरी डायरेक्टरी ये है तो आप ls कर लो लिनिक्स वन को अगर इसके अंदर कुछ डेटा है कोई दिक्कत नहीं ठीक है या फिर सी करके चले जाओ अंदर एंड लिनिक्स वन एल एस करिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है ठीक है अब मैं क्या करूँगा इस लिनिक्स वन डायरेक्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं डेटा को मूव करते हैं डेटा कैसे मूव करना है मैं चाहता हूँ कि चलिए ये टाटा मोटर डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल को मूव करना है कहाँ पे लिनिक्स वन डायरेक्ट्री के अंदर ठीक है तो अब यहाँ पे एम वी कमांड का यूज़ करेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ फाइल को मूव कर रहा हूँ डायरेक्टरी के अंदर राइट फाइल को मूव कर रहा हूँ डायरेक्टरी के अंदर तो सबसे पहले आपका आएगा टाटा मोटर्स डॉट टी एक्स टी फाइल और किस में मूव करना है लिनिक्स वन नाम की डायरेक्टरी में राइट इंटर करिए और एक बार एल एस करिए अगेन तो टाटा मोटर्स डॉट टी एक्स टी जो यहां दिख रही थी अभी यहां पे नहीं दिख रही क्यों क्योंकि क्यों 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 मैंने उसे डाल दिया इसके अंदर मूव कर दिया लिनिक्स वन के अंदर तो आप एल एस करिए और लिनक्स वन करिए ठीक है तो देख लीजिए यहाँ से आपका जो पड़ा हुआ है टाटा मोटर्स डॉट टी एक्स टी वो ली लिनक्स 1 डायरेक्टरी के अंदर बैठा हुआ है ठीक है अब आपको ये डायरेक्टरी मूव करनी है लिनक्स 1 डायरेक्टरी ठीक है कहाँ पे करनी है सुनील के अंदर तो आपने क्या किया mv कमांड यूज किया उसके बाद आपने लिनक्स किया 1 और सारा का सारा इस डायरेक्टरी को आपने सुनील पे मूव कर दिया ls करिए ठीक है cd करके जाइए सुनील के अंदर ठीक है मैं रूट का बार बार लोकेशन दे रहा हूं सुनील पे जाइए और एल देख लीजिए ठीक है लिनिकस पड़ा हुआ है तो ये तरीका था दोस्तों एम कमांड रिनेम कमांड और कैल कमांड ठीक है तो कैलेंडर आपको देखना है तो सारा का सारा यू कैन यूज दिस टर्मिनल पे आप कैलेंडर चलाइए स्पेसिफिक डेट देखना है स्पेसिफिक ईयर चाहिए सो यू कैन फाइंड आउट ठीक है एम वी कमांड से दोनों काम हम कर सकते हैं डेटा भी मूव कर सकते हो रिनेम भी कर सकते हो रिनेम कमांड से तो रिनेम हम कर ही रहे हैं ठीक है थीके? तो रिनेम कमांड का थोड़ा सिंटेक्स क्या होगा रिनेम कमांड जिसको रिनेम करना है किस नाम पर करना है अगेन जिसे हमें करना है ठीक है तो ये था हमारा दोस्तों बेसिक कैल एम वी और रिनेम कमांड इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अगेन एंड टेक केयर ऑल द बेस्ट